हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टंबल गाइस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं एक और गेम प्ले, लेकिन कोई चैलेंजेस आज नहीं होंगे, अपन सिंपल गेम प्ले खेलेंगे और देखते हैं अपन को कितना याद है यार, क्योंकि चैलेंज करके ना कभी कभार हम गेम भी भूल जाते हैं, इसलिए आज हम नॉर्मल गेम प्ले खेलेंगे गाइस। तो चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब कर दो अभी से। चलो स्टार्ट करते हैं आईसी हाइट्स की ठंडी ठंडी बर्फ़ के साथ। और यहाँ पे अपन ने स्लाइड मार दिया गाइस, और पाइप से मैं थोड़ा सा दूर रह गया था इसलिए ट्रिक हो नहीं पाई, कोई बात नहीं। और आप लोगों ने जैसा बताया था ना, वो मैंने नोटिस किया है कि जिस भी बंदे के पास अच्छे फुटस्टेप रहते हैं ना, वो नूबड़ रहता है, इसलिए मैं ना अब ये नोटिस करता हूँ। जैसे ये देखो, ये तो पीछे ही पड़ गया भाई, मतलब इसको वीडियो में आना ही आना है, इसलिए मैं इससे जितना दूर जा सकता हूँ उतना दूर जा रहा हूँ। और रॉकेट रंबल आ चुका है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहला रॉकेट तो मुझमें ही पड़ेगा हर बार की तरह, लेकिन यार वायर किसी ने मारा ही नहीं आज पहली बार। चलो अच्छा यार, हम जीत तो सकते कम से कम, अगर इतने अच्छे लोग आ जाएं तो हम जीत ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब आगे देखो, आगे एक येल्लो कलर का ये बॉट है, बंदा है पता नहीं, और इस बॉट ने हम तीनों रियल बंदे को उड़ा दिया यार। मतलब अगर ये बॉट था ना तो इसने 1v3 क्लच मार दिया गाइज, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, बिल्कुल शर्मनाक बात है। ये कौन है यहाँ पे यार? इंपॉर्टेंट बात चल रही है अपने टीम वालों को, तुम लोग मारे जा रहे हो यार ऐसे। देखो स्कोर, देखो 8-4, पता है उनकी टीम में ना ज़्यादातर बॉट से गाइज, तब भी हम लोग इतने गंदे तरीके से हारे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को खेलना ही नहीं है। ये कौन आ गया पीछे से? अभी मैं आता हूँ, रुको। 7-2 हो गया यार, अपन को जल्दी से कमबैक मारना पड़ेगा यार, क्योंकि बॉट से हारा ना मतलब अपन ये गेम खेलने लायक है ही नहीं, इसलिए अपन हार नहीं सकते वाला मैच चाहे कुछ भी हो जाए। चलो अब जल्दी से चलो गाइस, ये यार मुक्के भी मार रहे, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये वही है, ये वही नूबड़ है, तो इससे तो मैं दूर रह के करूँगा भी क्या, क्योंकि ये तो वैसे भी रॉकेट रंबल है, इसमें पंच और किक का कोई यूज़ ही नहीं है, बस हमें यार कमबैक मारना है। और मुझे लग रहा है ना मैं इधर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बहुत, क्योंकि यहाँ पर 3-4 लोग ऑलरेडी लड़ रहे हैं, तो अपन को कहीं और जाना चाहिए। और जो येल्लो वाले फ्लैग है ना, इनको नीचे करना चाहिए। खाली फ्लैग ढूंढता हूँ मैं, खाली फ्लैग अपन को जाना है गाइस, और वो नीचे करने, और ये बॉट को तभी मैं साइड कर दूंगा। तो चलो ये वाला फ्लैग अपन ने कर दिया ऊपर। अरे ये फिर आ गया भाई, ये बॉट है क्या यार? ये गॉड है कि हैकर है, क्या है क्या ये? मतलब इतना प्रो बॉट मैंने आज तक नहीं देखा यार, अकेले हम 4-4 बंदे को उड़ा जा रहा है ये। अभी मैं तो यार इससे दूर रहने वाला हूँ, मुझे कोई शौक नहीं उससे लड़ने का, मुझे तो लग रहा है हम लोग ही खराब खेल रहे हैं यार। अब कमबैक कैसे मारेंगे मैं ये सोच रहा हूँ, 20 सेकंड बचे हैं बस, और हमें कुछ भी करके कमबैक मारना है गाइस। 7-5 है, ये वाला फ्लैग जल्दी से नीचे कर, मैं ये वाले पे जाता हूँ। रुको, यहाँ से आया मैं, वापस एंट्री मारी, और ये हो गया 4-4, बस अब लीड लेनी है। अरे यार फिर पीछे हो गए, चलो जल्दी करो गाइस, ये वाला फ्लैग उठा देते, और 5-6 हो गया। चलो इस फ्लैग से बस अब कोई और नीचे नहीं करे। 7 हो गया, 6 हो गया, और हम लोग जीत गए गाइस। चलो बॉट से तो हारे नहीं, इतनी इस बात की खुशी है मुझे, लेकिन अब फाइनल भी जीतना है। और ये ब्लॉक डैश भी आ चुका है, तो बस अब अपन को जीतने में फोकस करना है, और नूबड़ तो है नहीं, तो अपन है ना मिनिमल मूवमेंट वाला चैलेंज करते हैं गाइस, मतलब हिलेंगे नहीं अपन, जितना हो सके ना अपन यहीं खड़े खड़े खेलेंगे, ठीक है? अपन देखते हैं अपन कितनी देर खड़े रहते हैं, और कोई ऑब्स्टेकल अपन से टकराता नहीं है। अभी तक तो मैं आसानी से खड़ा था, लेकिन अब अपन को हिलना पड़ेगा थोड़ा सा, बस एक राइट गया मैं। और देखो यहाँ पर भी बस जंप मारना है, और एक लेफ्ट हिलना है, तो लेफ्ट और राइट ये दो टाइल पर खेलेंगे अपन। चलो लेफ्ट राइट, और यहाँ पर फिर से खड़े हो जाते हैं, और एक भी बंदा बाहर हुआ नहीं है, वैसे नूबड़ नहीं है ये लोग, लेकिन अच्छा भी खेल रहे हैं। और सामने से एक ब्लॉक आ रहा है, लेकिन ये टूट जाएगा मुझे लग ही रहा था। चलो अब अपन को राइट वाले ब्लॉक से जाने गाइस, और यहाँ पे बीच में जो गैप है यहाँ पे खड़े रहेंगे बस, अब यहाँ से अपन को कूदते हुए जाना है गाइस बहुत ही आसानी से। और मैं इसके ऊपर यार लैंड नहीं कर पाता, इसके ऊपर लैंड करूंगा ना तो सीधे आगे वाले ब्लॉक्स पे कूद जाऊंगा, लेकिन ये देखो लैंड ही नहीं होता। मैं पूरी ट्राई करता हूँ, वैसे 1 जंप में आराम से हो जाएगा, लेकिन डाइव में थोड़ा मुश्किल है, तो डाइव वाले तो करने अपन, क्योंकि आसान चीज़ें कौन करता है। चलो यहाँ पे अब अपन साइड में आके ना थोड़ा खेलने लग जाते हैं, क्योंकि वरना लोगों को लगेगा बहुत ज़्यादा ही लेट बैक खेल रहा है, तो इसलिए अब अपन भी अपना प्रोनेस दिखाएंगे। इसको कैच करो, इसको कैच करो भाई, कैच हो जाता ना तो मज़ा ही आ जाता, मतलब इसको बचा लेता मैं, लेकिन मैं खुद को नहीं बचा पाया। अरे यार चढ़, अरे चढ़, अरे यार मैं इसको बचाने के चक्कर में खुद का गेम ही भूल गया, बताओ यार। लेकिन अगर वो कैच हो जाता ना गाइस, मतलब आईपीएल से बेटर कैच होता है ना, मानते हो कि नहीं गाइस? तो चलो अब आगे चलते हैं, पेंट स्प्लैश में अमन आ चुके हैं, और नूबड़ों का वेट है बस, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे पेंट स्प्लैश तो पता काफ़ी इजी है गाइस, अगर मैं ऐसी हरकतें नहीं करूँ तो, वो क्या है कभी कभार मेरा जंप दबता नहीं है, क्योंकि मेरा टच का थोड़ा दिक्कत है बस, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। और पीछे एक नूबड़ है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तो अब मुझे इसको कैसे सर्वाइव करूँ यार, ये देखना पड़ेगा। रुको अभी मुझे ना इससे बच के जाना पड़ेगा। चलो ये
तो गया रोलर के साथ और मैं आगे निकल जाता हूँ जल्दी से। और ये वाला पंखा मेरा वेट कर ले थोड़ा सा, बस आ गया मैं। चलो अब आगे चलते, अपन यहाँ पे वेट भी कर सकते यार क्योंकि बहुत लोग हैं अपने पीछे। चलो अब यहाँ से आराम से ये वाली ट्रिक करूँ क्या? ये वाली ट्रिक नहीं हुई, कोई बात नहीं। अरे यार ये क्या, अभी था अभी हट गया, देखो कितना अच्छे से हटा। ये तो हटेगा नहीं, ये तो अभी इसके साथ आया था। ये कैसे हो सकता है यार, कैसे? मतलब जहाँ मैं जा रहा हूँ देखो वही हटते जा रहा है। ये नहीं हटेगा, ये पक्का नहीं हटेगा, मुझे लग रहा था। गाइस क्या हो, क्या रहा है, क्या हो रहा है ये? मतलब कुछ भी हो रहा है यार, मतलब लोग नूल समझने लग जाएंगे यार, ऐसी हरकतें मत क्या करो यार स्टंबल गाइस वालों। और फिर से टीम मैप यार, ये दूसरी बार लगातार टीम मैप ना मैं झेल नहीं सकता गाइस। तो अभी मुझे ना जल्दी से गोल मारना पड़ेगा। और ये बॉल ही हट गई, चलो कोई बात नहीं। और मेरी टीम में यार लोग कम है क्या? मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है तीनों की तीनों बॉल इस साइड आ रही है और मैं यार एक को बचा पाऊंगा? मतलब एक गोल तो जाने जाना, चलो गया इनका एक गोल गया। अब हमें एक गोल से कम बैक मारना पड़ेगा, ड्रॉ कर देते हैं एटलीस्ट, बाद में अपन आगे का देखेंगे। और पीछे एक गोल कीपर लगा तो है, चलो इन पर छोड़ देता हूँ मैं, लोग बचा लेंगे। भाई बचा लोगे ना? भाई बचा लेना यार, मैं आगे जाके गोल मारता हूँ, जब तक हटो यहाँ पे गोल मारने। अरे यार यहाँ पे डिफेंडर बहुत सारे हैं गाइस, कोई बात नहीं अपन करते हैं ट्राई। मुझे लग रहा है ये देखो ये तो बॉट लग रहा है यार मुझे, अपन बॉट से कैसे हार रहे हैं। चलो ये अच्छा शॉट था यार, लेकिन सेव उससे भी अच्छा था, कोई बात नहीं आएगा ये बॉट, अपन को ही बॉल देगा। वाह यार क्लियर कर दी। पीछे यार बॉल बहुत सारी है यार, अपन हार सकते हैं यार मैच मुझे लग रहा है। मतलब हालत देख के लग नहीं रहा है टीममेट्स की ये अपन जीतेंगे, ये तब भी अपन को ट्राई करना पड़ेगा गाइस। और ये भाई गोल मत मार देना, सेव नहीं हो पाया, मैंने ट्राई किया था गाइस, फुल ट्राई किया था लेकिन हो नहीं पाया। 2-1 का स्कोर है, अब क्या करूं यार, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। ये देखो ये हमारी टीम वाले ही गोल मार रहे हैं, मैं क्या बताऊं, मतलब अपने टीम में ही बेदिए गाइस, क्या बोलें। अब क्या करें अपन, क्या करें क्या करें। 4-1 यार, बहुत ज़्यादा यार स्कोर, मतलब बॉट्स के अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा ही है। और 20 सेकेंड बचे, अब मैं ट्राई करता हूँ एक लॉन्ग अटेम्प्ट का। और क्या गया, क्या अटेम्प्ट गया गाइस, क्या गोल गया है भाई, मतलब मज़ा आ गया। लाइक कर दो यार इसी बात पे, एक और गोल मैं मार सकता हूँ, हैट्रिक हो सकती है, वैसे मेरी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन गोल मार सकते हैं अपन। 5-3 तो हो कम से कम, बेइज्जती से नहीं हारेंगे। चलो एक और गोल गया, लेकिन अपन बाहर हो चुके गाइस टीम मैप में। चलो पेंट स्प्लैश आ गया है फिर से गाइस, चलो जल्दी चलते हैं पीछे से इन लोगों के, कितने नूबड़ हैं ये भी देखते हैं। यार नूबड़ देखने ना मुझे मज़ा भी आता है, मतलब देखने में मज़ा आता है कि कौन कौन है जो गलत उपयोग कर रहा है उनकी शक्तियों का, वही देखना है। चलो बच गया मैं इधर, मुझे लग रहा था मैं डाइव नहीं मार पाऊंगा दूर तक। और भाई इसके टकले पर चढ़ चढ़ के मैं डाइव मार रहा हूँ, देख रहे हो, मतलब बूस्ट देख रहे हो आप लोग, कुछ भी हो रहा है। चलो अब आगे चलते, ये बंदा तो बस सही है, ये बंदा वैसे सही लग रहा है मुझे, नूबड़ लग नहीं रहा है ये तो अच्छी बात है। पीछे वाले को बस पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, वीडियो में तो आ रहा है ये लेकिन इसको गुस्सा आ क्यों रहा है भाई, मैंने तो इसको मारा भी नहीं है। और ये मेरे साथ फिर से चालू हो गया क्या भाई, इस बार मत करना यार। चलो इस बार आराम से आ गए अपन अंदर और क्वालिफाई भी कर गए। और जंगल रोल आ गया यार सेकंड राउंड में, जंगल रोल जब भी सेकंड राउंड में आता ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि 8 लोग होंगे क्वालिफाई सिर्फ, उसमें भी नूबड़ जो है ना मुझे बहुत पीछे कर देते हैं। और एक बार इस लॉक से गिर जाओ ना फिर तो आप बाहर हो, इसलिए यार मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ आज ताकि नूबड़ मुझे मारे नहीं। और यहाँ पे पांडा भी बहुत सारे, 2 पांडा है, स्केलेटन नहीं है क्या, स्केलेटन है जस्ट पीछे ये, लेकिन ये हाई बोलने वाला था, पांडा नूबड़ निकला, बताओ अब इस पांडा का मैं क्या करूँ, मेरे साथ ही आ रहा है ये, पास आ रहा, रुको मुझे मारना पड़ेगा इसको, अगर मुझे खुद को बचाना ना, ये हाई क्यों बोल रहा है भाई, नूबड़ बनने के बाद हाई बोल रहा है भाई, लेकिन मैंने तो मार दिया भाई, मैंने चिपका दिया क्योंकि अपन कोई रिस्क नहीं लेंगे गाइस, रिस्क लेने का है ही नहीं। चलो अब जल्दी आगे, अब यहाँ पे एक डेविल आ रहा है, ये पिछले मैच में गुस्सा कर रहा था, अभी गुस्सा है कि दिमाग ठंडा हो गया यार इसका, मैं जल्दी अंदर जाता हूँ, ठंडा हुआ नहीं है अभी तक ये। चलो यार एक मैच तो अपन को आज जीतना ही है गाइस, कुछ भी हो जाए एक मैच तो जीतना ही है, क्योंकि टीम मैप्स ने अपना गेम खराब किया तो है लेकिन एक मैच तो यार जीतना बनता ही है गाइस आप लोगों के लिए, तो मैं पूरी ट्राई करने वाला हूँ। बस यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है तो कोई मुक्के नहीं मार दे। और ये बंदा तो ट्रिक कर रहा है यार, लेकिन ये ट्रिक देखा मुझे मालूम थी, ऐसी ट्रिक ना सक्सेसफुल होती नहीं है, इसलिए मैं ऐसी ट्रिक कभी नहीं बताता हूँ अपनी वीडियो में, मतलब बताता हूँ लेकिन जैसे मेरी बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो ना उसमें मैं ऐसी ट्रिक बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा लो है गाइस, आप समझ रहे हो, ऐसी ट्रिक का ना मतलब सक्सेस रेट तुक्के में होता है, तुक्के में हो गई तो जीत गए, फालतू में रिस्क लेना ही क्यों है, इसलिए मैं ऐसी ट्रिक नहीं बताता हूँ। आप लोग को लगता होगा ऐसी बचकानी ट्रिक्स बता रहा है, लेकिन वही ट्रिक आपके काम आएगी गाइस। जैसे कि अभी अपन जीत चुके तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार ऐसी मज़ेदार स्टंबल गाइस वीडियोस के लिए। और अगर मेरी स्टंबल गाइस की पिछली वीडियो देखनी है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, देख लो दबा के।